हेलो एवरीवन, मैं हूं मलविंदर कौर फ्रॉम नेचर गार्डन। वेलकम टू माय चैनल। मेरे गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं। खूबसूरत है हिबिस्कस के फ्लावर के साथ, रेड कलर का फ्लावर है ये। और वीडियो का जो मेरा आज टॉपिक है वो है गाइस गॉनफ्रिना की फुल केयर के बारे में। इससे पहले हम अच्छे अच्छे फूलों से शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज गॉनफ्रिना फ्लावर, जो बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है और समर में खिलने वाला प्लांट है, ये फूल देने वाला, बट ये पेरिनियल प्लांट है। आप सालों साल इसके साथ आप अपना गार्डन में इसे ऐड कर सकते हैं और बहुत ही इसकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं इसमें। बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं और अपने गार्डन में आप इसे ऐड करिए। लो मेंटेनेंस प्लांट है, सीड से तैयार हो जाने वाला प्लांट है। सबसे पहले इसका हम साइंटिफिक नेम जान लेते हैं। साइंटिफिक नेम जो इसका नेम है वो है गॉनफ्रिना ग्लोबासा, और कॉमन नेम है इसका वेडेमली या फिर बैचलर बटन गॉनफ्रिना, और रुद्राक्षी हुआ, और इसे अमरनाथ फ्लावर प्लांट भी कहते हैं, और अमरनाथ एशियाई फैमिली से ये बिलोंग करता है। अमरनाथ गॉनफ्रिना इसका कॉमन नेम भी और है, और बहुत सारे इसके कॉमन नेम के साथ साथ खूबसूरत फ्लावर्स हैं और बहुत सारे कलर्स में आते हैं। वाइट इसके बहुत खूबसूरत फ्लावर लगते हैं। ये मेरे पास जो है पर्पल कलर का है, ये मैंने सीड से ग्रो किया है। मैंने सीड लिए थे और सीड से ही ये मैं बहुत सारे मैंने प्लांट अपने बनाए हैं। और मैंने एक गॉनफ्रिना के आगे आपके साथ कैसे से मैंने सॉइल प्रिपेयर करी है उसके बारे में आपके साथ शेयरिंग की है। अगर आपने देखना है तो उसमें जो मैंने सॉइल ली है इसकी प्रोपोगेशन का भी बताया है कैसे किया, और बहुत सारे मैंने प्लांट्स इसमें दिखाए हैं सीड से तैयार किए हुए। तो चलिए, ये जो प्लांट है इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इसके एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, और एंटी ऑक्सीडेंट प्लांट भी है, और इसकी जो है बहुत सारी प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ बहुत पाई जाती हैं इसमें। प्योरीफाइंग प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें, और डिटॉक्सिफाइंग प्लांट भी है ये। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो बहुत सारे फूल इसके पाते जाएंगे। बटन की तरह ही ये लगते हैं फ्लावर, छोटे छोटे से, और इसको इसीलिए बैचलर बटन गॉनफ्रिना भी कहते हैं। तो आप इसे प्लांट को ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और फुल सन में सर्वाइव कर जाता है ये समर में, बट थोड़ा सा इसके शेड का ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये पूरी रोशनी में रहने वाला प्लांट है। चलिए, इसके केयर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉयल की। सॉयल मैंने इसमें ली है वेल ड्रेन सॉयल, और वैसे तो ये ड्राउट कंडीशन में बड़े इजीली ग्रो कर जाता है। और इसमें सैंड गार्डन सॉयल, और इसके अलावा मैंने कंपोस्ट ली है। कंपोस्ट में मैंने बोन मील और वर्मी कंपोस्ट ली है, और ली है नीम की खली। इसके अलावा थोड़ा मैग्नीशियम सल्फेट डाला है मैंने इसमें। फ्लारिंग प्लांट है, फॉलियस के लिए अच्छा होता है, तो मैंने वो उसमें थोड़ा डाल दिया है। और इसमें पत्तियों की खाद जो है ऑलरेडी मेरे मिक्सचर पड़ा था सॉइल का, उसमें डली हुई थी, तो मैंने वो पुराने वाली सॉइल में ही ये सारे कंपोस्ट जो हैं तैयार जो हैं मिक्स करके अपनी सॉइल प्रिपेयर कर ली है। और नेक्स्ट इसकी वाटरिंग डेली करनी है, समर में तो डेली ही करनी होती है इसकी। तो वैसे तो ये मैंने बोला ही है ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट है, ड्राउट कंडीशन में बहुत इजीली ग्रो कर जाता है, फुल सन में सर्वाइव करता है। प्रोपोगेशन इसकी बाय सीड भी होती है, और इसे बुशी बनाने के लिए आप इसकी कटिंग करते रहेंगे तो आपका प्लांट ये बुशी बन जाएगा। और जब भी इसके फूल ड्राई होते हैं तो आप इनको डेड हेडिंग ज़रूरी है, आप हटाते रहिए इनके फ्लावर्स को, तो और भी फ्लावर आते रहेंगे। पिंचिंग बुशी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्लांट अभी मैंने रीपॉट करा है तो अभी मैंने इसके ऊपर फ्लावर आ रखे, तो इसलिए मैंने पिंचिंग नहीं की है, बट धीरे धीरे अगर आपने इसको बुशी बनाना है तो ये देखिए साथ के साथ इनको पिंच करते रहिए, और आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव भी होगा।
और सालों साल चलने वाला प्लांट है। आप अगर इसके सीड हैं ड्राई होने के बाद संभाल के रखते हैं तो अगर ये नेक्स्ट सीजन में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट ड्राई भी हो जाता है तो आप सीड से इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे इसके मैंने सीड लगाए थे और काफ़ी अच्छे से प्लांट सीड हैं, सारे के सारे ग्रो भी हुए हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना वीडियो, वो देख सकते हैं आप। तो चलिए, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखिए, फुल देखा करिएगा, एटलीस्ट जो है सपोर्ट मिल पाए चैनल को। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल के साथ बेल बटन के साथ आप दबा करके सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी जो नई नोटिफिकेशंस हैं आपको पहले मिलती रहें। तो खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, बटन गॉम्फ्रीना को अपने गार्डन में ऐड ज़रूर करिए। तो बहुत प्यारे इसमें कलर आते हैं तो आप इसे लगाएं, ऐड करें। चलिए, ओके जी, थैंक यू सो मच गाइज़, हैप्पी गार्डनिंग।